हेलो दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर आप लोग मज़े में होंगे, मैं बहुत मज़े में हूँ, बहुत खुश हूँ। ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि आप इस वीडियो सीरीज़ को, हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया कि वो इन वीडियोज़ में बताई गई किताबों को ख़रीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और कुछ सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने आइडियाज़ भी दिए कि किन किताबों को और इंक्लूड किया जाना चाहिए, किन किताबों को पढ़ना ज़रूरी है। तो आई एम श्योर आने वाले वीडियोज़ में हम उन किताबों को भी इंक्लूड करेंगे। मेरे कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने एक्चुअली मुझे आकर बोला कि उनकी रीडिंग हैबिट्स छूट गई थी और उन्होंने काफ़ी समय से कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन इन वीडियोस से उनको बहुत मोटिवेशन मिला और उन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया। ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी अच्छी हैबिट्स को फिर से एक्टिव कर रहे हैं। दुनिया में लोगों की बहुत तरह की हैबिट्स होती हैं, कुछ अच्छी कुछ उतनी अच्छी नहीं होती हैं। बहुत ज़रूरी है कुछ हेल्दी हैबिट्स को इंक्लूड करना अपने लाइफस्टाइल में, क्योंकि उन हेल्दी हैबिट्स की वजह से ही आप एक पॉजिटिव लाइफ जी पाते हैं। एक ऐसे मेंटल स्टेट में, इमोशनल स्टेट में रहते हैं जहाँ पर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस उस तरह से पाइल अप नहीं होते, जो आज के टाइम में मुझे लगता है एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए भी रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जितना आप फिज़िकल एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, ऑफ कोर्स कोविड की वजह से लोगों ने इस तरफ बहुत ध्यान दिया है, लोग फिज़िकली एक्टिव हुए हैं, बहुत तरह की एक्सरसाइजेस लोग इंक्लूड करें अपने लाइफस्टाइल में। मुझे लगता है मेंटल एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है जितना फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, और मेंटल एक्सरसाइज के लिए किताबों से अच्छा और क्या हो सकता है। तो अपने इसी नोट के साथ कि लोग आने वाले दिनों में और किताबों की तरफ इंक्लाइंड होंगे और किताबें पढ़ेंगे, लेट्स बिगिन आर थर्ड एंड फाइनल एपिसोड ऑफ बेस्ट रीड्स ऑफ 2021। इसमें हम अपनी कुछ और किताबों को इंक्लूड करेंगे। ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है, तो आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगा। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। तो हमारी पहली किताब है The Five People You Meet in Heaven by Mitch Albom। उन्होंने एक और बेस्ट सेलर किताब लिखी है, Tuesdays with Morrie। ये उनकी दूसरी किताब है और ये किताब इसलिए अच्छी लगी मुझे क्योंकि ये ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती है जो शायद हमेशा हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। किताब का कैरेक्टर एडी, जो कि एक वॉर वेटरन है और फिलहाल एक अम्यूजमेंट पार्क में राइड्स का मैकेनिक है, और किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो स्वर्ग पहुंचता है। वहां पर वो उन 5 लोगों से मिलता है जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी लाइफ पे असर डाला था और जिसकी वजह से उसकी लाइफ में चीजें बदली। ये किताब उसकी लाइफ के मिस्टीरियस इवेंट्स को एक्सप्लेन करती है और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रीड है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे एक्चुअली ऐसा लगा जैसे मैंने वो लाइफ जी एडी के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये एडी के सारे सवालों के जवाब देती है। एडी की जर्नी अपने आप में इतनी अलाइव हो जाती है आपके लिए कि आपको लगता है कि जैसे वो आप ही की जर्नी है। अ वेरी गुड रीड। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ये किताब पढ़ें। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देंगे। द फाइव पीपल यू मीट इन हेवन बाय मिच ऑल्बम। हमारी दूसरी किताब है इचिगो इची। जिन्होंने इस सीरीज का सेकंड पार्ट देखा होगा उन्हें पता होगा कि हमने उसमें इकिगाई इंक्लूड किया था और ये एग्जैक्टली इकिगाई का यू कह ले कि सेकंड पार्ट है या सीक्वल है। ये 2019 में पब्लिश्ड किताब है। हेक्टर गार्सिया फ्रांसिस मिरालेस ने ये किताब लिखी है। जैसे इकिगाई बात करती है लाइफ के पर्पस के बारे में कि आप जो जी रहे हैं वो क्या है और किस तरह से उसको जिया जाए ताकि लाइफ एक सिंपल एक्सपीरियंस बने, फुलफिलिंग एक्सपीरियंस बने। ये किताब बात करती है इचिगो इची, जिसका मतलब है इन दिस मोमेंट, मतलब प्रेजेंट टाइम, जो जिस टाइम में आप जी रहे हैं वो टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग बात करते हैं, मैंने इस बारे में बहुत पढ़ा भी है और काफ़ी बात की है, कि हम हमेशा या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं,
या तो हम पास्ट के बर्डन में फंसे रहते हैं या फिर फ्यूचर की एंग्जाइटी में। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जो अलाइव मोमेंट है, जो एक्टिव मोमेंट है, वो ये इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट है। अगर हम उस मोमेंट को जो हम फिजिकली जी रहे हैं, मेंटली भी जिए, वहाँ प्रेजेंट रहें फुल अवेयरनेस के साथ, तो उससे अच्छा एक्सपीरियंस और कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। और ये किताब एग्जैक्टली उसी के बारे में बात करती है कि कैसे हम अपने एक एक सेकेंड को पास्ट या फ्यूचर में फंसकर वेस्ट कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। कैसे हम अपने आसपास के एक्सपीरियंसेस को मिस कर देते हैं, अपने लव्ड वंस की फीलिंग्स, इमोशंस, उनको समझने में चूक जाते हैं। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें, जहां हैं वहां पर पूरी तरह से अवेयर रहें, तो ये सारी चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं और आप एक अच्छी फुलफिलिंग हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। मुझे लगता है ये किताब बहुत ज़रूरी है पढ़ना हर एक के लिए, क्योंकि हम बातें सुनते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन शायद एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अगर हम इसको पढ़ें और थोड़ा उन आइडियाज़ को क्लियर करें, तो मोमेंट में जीना और प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस करना इज नॉट डिफिकल्ट। सो प्लीज़ अ मस्ट रीड, अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, इचिगो इची बाय हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मोरालेस। और हमारी तीसरी किताब है 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। ये किताब बहुत ही ट्रिकी किताब है। हमने अपने सेकेंड एपिसोड में एक और किताब इंक्लूड की थी, जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म। ये किताब भी बहुत ही अलग तरह की एक कहानी कहती है। 1949 में पब्लिश्ड हुई थी ये किताब, जहां पर जॉर्ज ऑरवेल ने एक ऐसे फ्यूचर वर्ल्ड को इमेजिन किया है 1984 में, जहां पर एक परपेचुअल वॉर चल रहा है। ये स्टालिन के रशिया और नाजी रूल से इंस्पायर्ड किताब है, नॉवल है। एक परपेचुअल वॉर चल रहा है और ज़्यादातर जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, उसको तीन सुपर स्टेट रन करती हैं, गवर्न करती हैं। उसमें से एक ऐसी सुपर स्टेट है ओशियानिया, जहाँ पर एक डिक्टेटर लीडर है जिसका नाम है बिग ब्रदर, जो हमेशा आप पर नज़र रखते हैं हर तरह से। आप हमेशा सर्वेलेंस में रहते हैं, हर एक उस सोसाइटी का मेंबर उस पार्टी के, उस गवर्नमेंट के सर्वेलेंस में रहता है, सब पर नज़र रहती है। उसके अपने कुछ रूल्स हैं। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है विंस्टन स्मिथ, जो कि एक डेडिकेटेड डिलिजेंट वर्कर है पार्टी का, बट अंदर ही अंदर वो कहीं पार्टी से, उसके रूल से, उसके लॉस से नफरत करता है और रिबेल करने की सोचता है। इस रूल में प्यार करना भी अलाउड नहीं है दो वर्कर्स के बीच में, लेकिन विंस्टन को अपनी एक कलीग जूलिया से प्यार हो जाता है और उसके बाद वो उस नॉस्टैल्जिया में जीने लगता है जब वो बहुत खुश था अपनी दुनिया में बिग ब्रदर के रूल से पहले। और इवेंचुअली विंस्टन का और जूलिया का क्या होता है, किस तरह से कहानी आगे पढ़ती है, उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है 1984 पढ़ना। एक डिस्टोपियन सोशल साइंस फिक्शन नॉवल है, जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ, बहुत ही अमेजिंग मास्टरपीस किताब है ये, आप लोग ज़रूर पढ़ें। ये हिंदी में भी अवेलेबल है। इस तरह के कहानियाँ, इस तरह के नॉवेल्स पढ़ने से आपको बहुत तरह के फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में चीज़ें जानने को मिलती हैं, इमेजिनेशन पर बहुत कुछ आपको हेल्प करती हैं ये किताबें। इसलिए 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल अ मस्ट रीड। और इसी सीरीज में हमारी अगली किताब है सेपियंस बाय यूवल नोआ हरारी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। जैसा कि टाइटल से पता चलता है कि ये हमारे ही हिस्ट्री के बारे में है। यूवल नोआ हरारी एक इजरायली इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियन है, हिब्रू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने ये किताब अपने परसेप्शन से, अपने पर्सपेक्टिव से लिखी है, एक ब्रीफ हिस्ट्री है। हमारा अर्थ प्लैनेट बहुत सालों पुराना है, हजारों करोड़ों साल पुराना, और इसमें कई तरह की स्पीशीज रही, रूल किया, लेकिन एक ही स्पीशी लास्ट में बची, वो थे हम ह्यूमंस, होमो सेपियंस, जिन्होंने एक्चुअली इस प्लैनेट को अब तक रूल किया और आगे भी कर रहे हैं। ये किताब हमारे ही एग्जिस्टेंस में आने से लेकर के अब तक की कहानी है, उसका ब्रीफ हिस्ट्री है, इट्स नॉट कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ कोर्स। और
यूवल नोआ हरारी के परसेप्शन से, तो हो सकता है आपको ये किताब पढ़ते वक्त लगे कि ओ ये बात ऐसी नहीं वैसी है, ये बात वैसी नहीं ऐसी है। तो ये समझना जरूरी है कि ये यूवल नोआ हरारी ने अपने परसेप्शन और अपने थॉट के हिसाब से किताब को कंसीव किया है, परसीव किया है और लिखा है। इसकी हर बात आपको सही लगे ये जरूरी नहीं। मैंने ये किताब पढ़ने की इसलिए जुर्रत की क्योंकि सब लोग पढ़ रहे थे और सब ने सजेस्ट किया कि सेपियंस पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। मुझे भी टाइटल पढ़कर लगा कि ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने अटेम्प्ट किया और मैं अभी कहीं शायद इतने पेजेस पढ़ पाया हूँ। ये किताब एक स्लो रीड है, ऑफकोर्स आप बहुत जल्दी से नहीं पढ़ पाएंगे, इसको समझना जानना थोड़ा ट्रिकी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे ग्रास्प करना थोड़ा टफ है, लेकिन मुझे लगता है ज़रूरी है ये किताब पढ़ना जानना कि किस तरह से यूवल नोआ हरारी इस पूरे गैमेट को, इस पूरे होमो सेपियंस के एग्जिस्टेंस को समझते हैं, कंसीव करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। मैं इसके बैक पेज की कुछ दो लाइनें आपको बता देता हूं जिससे आपको आइडिया होगा कि एक्चुअली ये क्या है। 100,000 years ago, at least 6 human species inhabited the earth. Today, there is just one, us, Homo sapiens. So, Sapiens by Yuval Noah Harari, ye 2011 mein Hebrew mein publish hui thi aur 2014 mein iska English translation aaya. Iski Hindi translation bhi market mein available hai. Aap zarur 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 padhne ki koshish kare, main ye kahunga. और जितना आप पढ़ पाए वो आप पर है, पर ट्राई जरूर करें। सेपियंस बाय यूवल नोआ हरारी। और इसी सीरीज में हमारी आखिरी किताब है द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा बाय सत्यजीत रे। सत्यजीत रे अपने टाइम के बहुत बड़े फिल्म मेकर रहे हैं, उनको भारत रत्न और ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। बहुत सारी फेमस फिल्में उन्होंने बनाई हैं जैसे कि पाथेर पांचाली, गौरे बहरे, शतरंज के खिलाड़ी, अपराजिता, बहुत सारी अक्लेम्ड फिल्में उन्होंने, आज भी वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, उनको स्टडी किया जाता है और उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं अपने लाइफ स्पैन में। उसमें से एक जो सबसे फेमस उनका कैरेक्टर है प्रदोष सी मित्तर उर्फ फेलुदा, इज अ डिटेक्टिव जो एक खोजी प्रवृत्ति रखते हैं अपने अंदर और हमेशा किसी ना किसी केस को सुलझाने में उनका टाइम जाता है। ये उन्होंने सत्यजीत रे ने एक 35-40 स्टोरी का एक पूरा कलेक्शन, डिटेक्टिव स्टोरीज का कलेक्शन लिखा था फेलुदा सीरीज के नाम से। ये इसकी बहुत सारी कहानियां हिंदी में भी अवेलेबल है। ये किताब का ट्रांसलेशन बंगाली टू इंग्लिश किया है गोपा मजूमदार ने, जो एक बहुत बड़ी राइटर हैं, ऑथर हैं, उनको 2001 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। उन्होंने बहुत सारी फेमस कहानियों का, नॉवेल्स का बंगाली टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। ये किताब दो वॉल्यूम्स में अवेलेबल है, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू, और इसमें फेलुदा सीरीज की सभी कहानियां उन्होंने शामिल की हैं। फेलुदा डिटेक्टिव सीरीज जो है वो पढ़ने में बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मिस्ट्रीज सॉल्व करते हैं वो इन कहानियों में। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर आप कोशिश करें तो ये हिंदी में भी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएंगी, तो ज़रूर पढ़ें कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा बाय सत्यजीत रे। तो ये कुछ किताबें जो हमने इस सीरीज में लास्ट पार्ट में इंक्लूड की। हमने ये सीरीज तीन पार्ट्स में डिवाइड की थी, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, बेस्ट रीड्स ऑफ 2021, जिसमें टोटल 15 किताबें मैंने इंक्लूड की। मैंने इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं जो 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 अच्छी किताबें थी, बट मुझे लगा जो बेस्ट रीड्स ऑफ 2021 है उसी को मैं इस सीरीज में इंक्लूड करूँ। आई एम श्योर आप लोगों को ये किताबें पढ़कर अच्छा लगे, मज़ा आए, ज़रूर ये किताबें पढ़ें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये किताबें कैसी लगीं, अपने रिव्यूज शेयर करें और पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम निकालें। मैं जानता हूँ सबकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लोग बिजी होते हैं तरह तरह के कामों में, लेकिन पढ़ने के लिए अगर आप थोड़ा टाइम भी एक दिन में निकालते हैं तो वो अपने आप में काफ़ी है। इस हैबिट को ज़रूर अपने लाइफ में इंक्लूड करें।
ये एक अच्छी सूदिंग एक्सरसाइज है, मेडिटेटिव प्रोसेस है। किताबें आपकी अच्छी दोस्त बन सकते हैं, तो ज़रूर ज़रूर किताबों से अपना दिल लगाएं, किताबों में अपना समय दें। ये जो सीरीज़ है ये इसका आखिरी वीडियो था, पार्ट 3। और इसके अलावा भी हम और किताबों के बारे में और जनरल लाइफ के बारे में, फिल्मों के बारे में बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। हम इस तरह की चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, मैंने रिसेंटली क्या पढ़ा, हर महीने में क्या पढ़ता हूँ, कितना पढ़ता हूँ, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सजेशन है, तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, आप किस तरह के और वीडियोस देखना चाहेंगे, किस तरह की किताबों को आप चाहेंगे कि हम शामिल करें अपने वीडियोस में, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वर्क, फॉर अप्रिशिएटिंग द सीरीज़, इट मीन्स अ लॉट। प्लीज़ इसी तरह अपना प्यार देते रहें और वीडियोज़ को देखते रहें। I hope you stay healthy, wealthy and wise. Take care of yourself. Thank you so much. प्यार देते हैं इतना सारा, उसी से हमारा मोटिवेशन रहता है।